राजस्थान में नॉनवेज बिक्री पर बड़ा घमासान, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने फोन पर पुलिस अधिकारी को धमकाया, वीडियो हुआ वायरल, सफाई में कहा धमकाया नहीं निवेदन किया। हाँ या ना बोलो, लाइव हुआ तो आप समर्थन कर रहे। यूपी में मान्यता प्राप्त मदरसों की होगी जांच, दो सदस्यीय कमेटी को सौंपा गया जिम्मा, 15 से 30 मार्च तक पूरी होगी मदरसों की जांच। मैचोंग तूफान से दक्षिण भारत में तबाही, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में अलर्ट, दोपहर 12 बजे तक आंध्र तट से टकराने का अनुमान, 144 ट्रेन रद्द की गई, उड़ानें भी रोकी गई, अब तक 8 लोगों की मौत। उत्तर भारत में बढ़ने लगी ठंड, पंजाब समेत कई राज्यों में सुबह सुबह छाई नजर आई धुंध की चादर, अमृतसर में दिखा घने कोहरे का असर। नमस्कार, तो बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नए मुख्यमंत्रियों के चेहरे को लेकर तय चल रही कवायद पर। तीन राज्यों में सीएम के नाम तय हो गए हैं और आपको बता दें कि तीनों राज्यों में डिप्टी सीएम बनाने पर भी फैसला हुआ है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर मौका मिलेगा, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में दो डिप्टी सीएम भी होंगे, साथ ही राजस्थान में वसुंधरा राजे सीएम का चेहरा होंगी, छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह को मौका मिलेगा, उन्हें मुख्यमंत्री पद की कमान मिल सकती है, यानी तीन में से दो राज्यों के अंदर महिला मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी। तो ये बड़ा फैसला, बड़ा कदम बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, फिलहाल आधिकारिक रूप से इस पर निर्णय का ऐलान किया जाना है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर पुराने मुख्यमंत्री चेहरों को रिपीट करेगी बीजेपी, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर दो महिलाओं को मौका मिलेगा। वसुंधरा राजे पहले भी राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन रेणुका सिंह को पहली बार छत्तीसगढ़ की कमान मिल सकती है। रेणुका सिंह आदिवासी चेहरा भी हैं और रेणुका सिंह को मौका मिल सकता है छत्तीसगढ़ के अंदर